अरबाज की उम्र करीब 22 से 23 साल के बीच बताई जा रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक कम उम्र में ही उसकी अति गैंग में गहरी बैठ हो गई थी। वही क्रेटा कार चलाकर मौके पर पहुंचा था। इसी कार में मुख्य शूटर भी बैठा था। कहा जा रहा है कि अरबाज ने हथियारों का भी इंतजाम किया था। इस मारे गए अपराधी को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में ढेर किए गए अरबाज का चेहरा उमेश पाल की हत्या के मौके से सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं, लेकिन अब इस सफेद क्रेटा कार के मूवमेंट पर गौर कीजिए। इससे साफ हो जाएगा कि किस तरह जब अपराधी मौके पर इस कार से पहुंचे तो ड्राइविंग सीट से काले कपड़े में निकले इस शूटर की जगह फौरन कार की कमान किसी और शख्स ने संभाल ली। ये कार जिस तरह मूव करती नजर आई उससे साफ था कि पूरी प्लानिंग के साथ इसमें बैठा शख्स ट्रैफिक रोककर हमलावरों को कवर दे रहा था। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है, तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है, और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। यही नहीं, हमले के बाद ये कार आगे से यू टर्न लेकर दूसरी तरफ की लेन में आगे जाकर खड़ी हो जाती है। जिससे वारदात को अंजाम देकर अपराधी इसमें बैठकर फौरन फरार हो सके। देखिए किस तरह सफेद क्रेटा कार यहां रुकी है और एक एक कर शूटर इसमें लौट कर सवार हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शातिर अरबाज का अतीक के परिवार से पुराना संबंध था और वारदात के बाद मिले सुरागों के आधार पर इसकी तेजी से तलाश हो रही थी। इस दौरान पहले सफेद रंग की क्रेटा कार लावारिस हालत में मिली, इससे नंबर प्लेट हटा दी गई थी और उसके बाद अरबाज के बारे में अहम जानकारियां मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार करने का ऑपरेशन शुरू हो गया। इस दौरान गोली चलाने पर पुलिस टीम ने इसे ढेर कर दिया। इस दौरान धूमनगंज के थाना प्रभारी राजेश मौर्य को भी गोली लगी। उन्हें SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इंस्पेक्टर राजेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अब अरबाज पर पहले से दर्ज मामलों की पड़ताल कर रही है। इस मुठभेड़ के बाद मृतक उमेश पाल के पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये सुन लेना भी जरूरी है। कि जैसे उस दिन मेरे बेटे के जाने के बाद मुख्यमंत्री जी सुने तो उन्होंने दहाड़ा कि मैं कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो जैसे मेरा बेटा मिट्टी में मिला, वैसे शूटरों को मिट्टी में मिला है। जो उन्होंने कहा वो मुझे थोड़ा एहसास हो गया और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। साफ है कि इस एनकाउंटर से साफ संदेश गया है कि कानून को चुनौती देने वाले चाहे जहां भी छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।